पिछले 4 दिनों से हम लोग, आज 5वां दिन है, लगातार हम लोग भगवान बुद्ध संगे चंदन दे यम बुद्ध संगे चंदन दे जी का प्रवचन जो उन्होंने संभवतः 50 और 65 साल के बीच में श्रावस्ती न्यायत नाम के जगह में उन्होंने प्रवचन किया था, क्योंकि जगतपुंगो भी ग्रितकूट पर्वत बोलते हैं, वहां पर उन्होंने यम छम शरद जी पाल तो छिपा दिया यमपति चुनी नहीं होता, उसका प्रवचन जो है उसका अमृत पान जो है अपने शिष्यों को उन्होंने जगतपुंगो भी ग्रितकूट पर्वत बोलते हैं, आप लोग वहां दर्शन गए होंगे, वहां पर यम गैस्पा जो यमपति चुनी है जिसे बुम्बे कहते हैं उसका प्रवचन किया था। उसके बाद कई जगह में भगवान ने लोक कल्याण के लिए प्रवचन किया, शव की खुरलोकोशी किया, खासकर जो शरद जी परंतु छिम्बा जो है वो कई जगह में उन्होंने किया, नीचे भी उन्होंने जगपुंगोरी में प्रवचन किया था और ग्यातोंबा भी उन्होंने जगपुंगोरी में प्रवचन किया था। उसके बाद फिर छोटे छोटे उसके निचोड़ के रूप में बहुत सारे शरद जी परंतु छिम्बा जो ज्ञान के बारे में जो ज्ञान के जो गंभीरता और उसके जो है शुद्ध ज्ञान के बारे में जो प्रवचन दिया उसको शरद जी परंतु छिम्बा बोलते हैं। शरद मतलब ज्ञान में भी सबसे उत्कृष्ट सबसे पवित्र ज्ञान जिसे बुद्ध जी ने हासिल किया तब जाके बुद्ध बन गए थे, उस ज्ञान के बारे में जो बातें होती है उसको शरद जी परंतु छिम्बा कहा जाता है। दुष्पा उससे भी दुष्पा जाकर के फिर दमन के अंदर एक दो दुत्पा बोल के आता है, उसमें भी शरद जी परंतु छिम्बे जो धंधा है जो उसका अर्थ है उसको बताया गया होता है। पर उसके बाद भी निचोड़ करके बुमचुंग होते होता है उसके अंदर भी वही बात होती है। और जो दर्जो चोपा होते हैं ये भी यमपती के अंदर 12 पोथियों के अंदर जो बात भगवान बुद्ध जी ने संगेश जी ने विस्तार से कहे थे, बहुत ही विस्तृत रूप से कहे थे, उसका निचोड़ जो बात वो है वही बात दर्जो चोपा के अंदर संगेश ने बताया है। दर्जो चोपा पढ़ना और यमपती पढ़ना एक ही बात है, बात अंदर की जो अर्थ है द्वंता जो है एक ही है, शरब के बारे में बताते हैं। वही दर्जी चोपा के बारे में हम लोग पिछले 4 दिनों से आप लोग सुन रहे थे और मैं इसका प्रवचन कर रहा था। मैं कोई बुद्ध नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा लामा भी नहीं हूँ, मैं कोई रिम्पोचे भी नहीं हूँ, इतना है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करके शव के द्वंता को जाना और जो द्वंता मैंने जाना उसको लोक कल्याण के लिए बांटने में मुझे बहुत मजा आता है, तो इसीलिए आप लोग को मैं उसका अर्थ को मैं बांट रहा हूँ और बांटते रहूंगा और आप लोग सुनेंगे। तो मैं तो जिंदा हुई हूँ, जब तक जीवन रहे तब तक संघर्ष के छस का जो अमृत है उसको पिलाना मैंने उद्देश्य, मेरा उद्देश्य यही है, उस बोझ को मैं अंतिम सांस तक दौड़ते रहूंगा क्योंकि मेरा मलम भी यही है, ये चल रहा है। तो आज 4 दिन तक कोई भी बरछत नहीं हुआ, आज आखिरी दिन है, आज तो क्या बरछत होगा, कुछ भी नहीं होगा, आज तो इसको समाप्त करना ही है। तो कहने का मतलब संघर्ष चुंगन देश जी ने जब 35 साल की उम्र में संघर्ष जी संघर्ष हो गए थे, उसके बाद जब संघर्ष का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और संघर्ष थुबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए और तब से लेकर जब तक उन्होंने अपने शरीर को नहीं छोड़ा तब तक उन्होंने एक कार्य किया, वो कार्य क्या किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को संदेश दिया कि धर्म यह है, पाप यह है, पुण्य यह है, ज्ञान यह है, इस तरह का उन्होंने ज्ञान के दीपक को अंतिम सांस तक 80 साल की उम्र तक जो है भगवान जी 45 सालों तक जो है 35 साल के बाद 45 साल तक लगातार छस की खुरलों को सिखाया, किसके लिए, लोगों के लिए। लोग जो है गुमराह होते हैं, गुमराह होते हुए जो करना है उसको नहीं करते हैं, जो नहीं करना है उसको करते हैं, अपने दुख को अपने ही द्वारा ले करके जीवन के अंदर जो है धुआं में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, उस दुख से हट करके ज्ञान की ओर कैसा जाए उस रास्ता को भगवान ने दिखाया था, इसीलिए उसको छस की खुरलो करवा बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म कहते हैं। तो वही उन्होंने जीवन भर में करते रहे। तो फिर हम लोग तो पढ़ते हैं संघर्ष के छस को पढ़ते पढ़ते हमें भी पता लगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि 3 साल सम में जाने के अतिरिक्त जो ज्ञान हमने सीखा है वो 3 साल तक हजारों करोड़ों लोगों को छस बताया जाए तो ज्यादा कल्याणकारी होगा, ऐसा मेरे मन में आया, इसलिए सम किया तो हूं मैं 1 महीना 2 महीना, लहसुन छसुन तो मैंने नहीं लगाया है, मंडप मैंने लगाया जब मैं 24 साल का उम्र का था, तो उसके बाद छोटा मोटा सम तो होता है, सम का मतलब मन को शुद्ध करके पवित्र करके एक जगह रह करके
भगवान के धर्म का अनुसरण करना उसको सम कहते हैं ना, सम का द्रव्य है। सम का द्रव्य नहीं कि कहीं बंद होकर के आप अंदर बैठे और मंत्र रटते रटते हुए मन वाला चारों और भीतर रहा शरीर कहीं कमरे के अंदर बंद है और आपने सम है समझ के बैठा तो फिर गलत हो जाता है। कमरे के अंदर भी है, मन भी सुता है, जो मंत्र पढ़ रहे हैं उन संगठन को भी याद करते हुए मन की पवित्रता के साथ 3 साल बैठेगा फिर तो बहुत बड़ा कल्याण कर रही है, फिर तो वो असली सम बन जाता है। अगर अंदर सम में जाकर के मन वाला बाहर भटक रहा है, सिर्फ 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 साल बीता, 2 साल और है, ऐसा करके मंत्रों के साथ सम करेंगे तो वो सम नहीं हो जाता है। कहने का मतलब संगस का छस जो है नमलिन का बात है, नमलिन नहीं करे तो संगस का छस के मतलब अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो भगवान जी हमेशा यही कहते हैं जब तक आपका मन पवित्र नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, जो भी चाहे शरीर से वाणी से मन से जो भी पुण्य का कार्य कर रहे हो ऐसे सोच रहे हो वो तो वो गलत है, क्योंकि तुम्हारा मन साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। पहला सोच शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, तब जाके आगे का कार्य जो भी पुण्य का कार्य शरीर से होता है, वाणी से होता है, मन से होता है, वो छस छस हो जाता है। समझ गया ना? तो ये मंत्र पढ़ना, कोरा लगाना, छम्मे लगाना, अगर मन सही नहीं है तो कोरा कोरा नहीं हो जाता है, छम्मे छम्मे नहीं होता है। जो भी परम काम या कुरिम या जो भी करो, मन सीधा नहीं हो तो वो सिर्फ केवल बाहर से लगता है कि धर्म जैसा लगता है, अन्यथा वो ऐसे ही हो जाता है। मतलब तो मन की शुद्धता के बारे में भगवान बुद्ध जी ने बहुत ही प्रवचन दिया, पूरा जितना भी प्रवचन दिया भगवान ने 84,000 प्रवचन दिया, 84,000 एक प्रवचन में 500-600 कैद भी हो सकता है, ऐसा प्रवचन दिया 84,000। इसको बोलते हैं क्योंकि क्यों दिया 84,000 प्रवचन? हमारा जो सम के अंदर नमतो होता है ना, उसको भी नमतो को भी सूक्ष्म रूप से अलग अलग करके कितना नमतो जो हमें दुख देता है उसको भी अगर डंका लगाए तो गिने तो 84,000 बोलता है। एक नमतो को हटाने के लिए 1 छत्सुंश किया, 2 नमतो को हटाने के लिए 2 सुंश किया, 1,000 नमतों को हटाने के लिए 1,000 छत्सुंश किया, और 84,000 जो नफरत जो गलत विचार है उसको हटाने के लिए 84 बार भगवान बुद्ध जी ने चस का प्रवचन किया। इसलिए दुर्वा के बारे में बोलते हैं, दुर्वा के बारे में जब बोलते हैं तो उसको दुर्वा बोल करके संस्कृत में विनय बोलते हैं, कैसा चलना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा अच्छा करना चाहिए, लोगों से कैसा बातें करना चाहिए, ऐसा छस होता है उसको दुर्वा कहते हैं। दुर्वा गलंग के लिए अलग से दुर्वा होता है, गलंगमा के लिए अलग से दुर्वा होता है, गफुल के लिए अलग, गफुलमा के लिए अलग, मिर्चाल के लिए जो सोजन नहीं करते हम लोग, सोजन मुन्ने नहीं करते हैं उस समय, जो 8 प्रकार का जठिर में इस प्रकार के बारे में एक रूल रेगुलेशन चीज के बारे में बोलता थे उसको दुर्वा बोलते हैं। फिर उसके बाद दोदय बोलते हैं, दोदय मतलब मन को कैसा सीधा रखा जाए, कैसा बम लगाया जाए, बम लगाते समय मन कैसा होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक जगह होने से नहीं चलेगा, मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता निर्मलता होनी चाहिए, मन एक जगह स्थिर रखने को उसको दबे होते, उसके अंदर 3 दिन बम के बारे में बताते होते हैं। फिर उसके बाद शरब के बारे में, शरब के बारे में क्या बताते हैं, सत्य को बताते हैं। फिर बेटे की संसार है क्या चीज है और संसार में क्यों लोग दुखी है, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते हैं, असत्य को सत्य मानकर बैठ जाते हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं। वही जो तीसरा प्रवचन संगे चंदन दास जी ने दिया था प्रज्ञा के बारे में, प्रज्ञा मतलब विजडम के बारे में, जो शरब के बारे में, उसी से संबंधित यह दर्जे चौपा है। युम्बती सब शरब से संबंधित है, युति शरब से संबंधित है, ज्ञातंबा शरब से संबंधित है, दो दुपा शरब से संबंधित है, बुमछुम शरब से संबंधित है, दर्जे चौपा शरब से संबंधित है, और शरब निंदो शरब से संबंधित है। इसमें सत्य के बारे में सीधा सीधा बोलते होते हैं, पाप नहीं करो, पुण्य करो, ऐसा ज्यादा नहीं बोलेंगे, मन को स्वच्छ रखो, इस दुनिया में है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हो तुम है क्यों समझ रहे हो, जितना जितना है समझोगे उतना उतना तुम्हारा मन भटक जाएगा, उतना उतना आसक्ति आ जाएगी, उतना उतना दुखी हो जाएगे, हो जाओगे बोल करके, इस तरह का जो प्रवचन होता है ना उसको शरब कहते हैं। इसलिए तो 3 प्रकार का चीजें हैं, 3 प्रिंसिपल इन द बुक ऑफ धर्म, 3 प्रकार के प्रधान चीजें होती है, मुख्य चीजें होती है भगवान बुद्ध के प्रवचनों में, 3 शील, समाधि और प्रज्ञा। जो ये दर्जे चुपा है ये शील के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, समाधि के बारे में भी ज्यादा नहीं बताएंगे, प्रज्ञा के बारे में बताते हैं।
ये तीन चीजों में से जो प्रज्ञा जो जो मन के अंदर जो गलत विचार है अज्ञान हो उसको काट करके काट के फेंक करके मन को प्रज्ञा में बदलने का विधि विधान कैसा है, मन कैसा होना चाहिए, उस शरद के बारे में इसीलिए बताते हैं। इसलिए तो मैंने आपको कहा था ना इस प्रवचन का नाम दुर्जय चौपाल होते हैं। दुर्जय मतलब नहीं बदलने वाला, जैसे हीरा की तरह नहीं बदलने वाला ऐसा ज्ञान जो कभी भी नहीं बदलता हो, हीरा की तरह। हीरा चाहे टूटे, चाहे उसका आभूषण बनाए, चाहे मूर्ति बनाए, हीरा तो हीरा ही है, उसका कीमत में कोई आगे पीछे नहीं होता है। टूटे का भी हीरा है, जैसा सोना है टूटे का भी सोना है, आभूषण बनाए भी सोना है, सोना तो सोना ही है ना। उसी तरह जो संदेश का जो ज्ञान होता है वो तो ज्ञान ही है, बिल्कुल स्वच्छ है, हीरे की तरह स्वच्छ ज्ञान है। जब वो ज्ञान के बारे में हमें पता लगता है तो वो एक हथियार जैसा बन जाता है। किस लिए? हमारे मन के अंदर जो गलत विचार आते हैं ना, उस गलत विचार को काटने का, उसको तोड़ने का एक विचार आ जाता है। किसके द्वारा आ जाता है? संदेश के ज्ञान के द्वारा। ये दुर्जय चौपाल क्या है? संदेश का ज्ञान का संदेश देने वाला ग्रंथ है। संदेश का ज्ञान क्या है? उसका संदेश देने वाला पवित्र ग्रंथ है। इसमें कहा गया कि दुनिया में है कुछ भी नहीं है। रज्जो कहता है अगर तू इसको ऐसा ही समझ रहा है तो वो जंचुक संभव नहीं है। जंचुक संभव के मन के अंदर कोई भी नमतो नहीं होना चाहिए, कोई भी नफरत की भावना नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जैसे चमकते हुए शीशे की तरह, चमकते हुए सूरज की तरह, चमकते हुए हीरे की तरह मन होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा भी मैल ना हो, थोड़ा सा भी खोट नहीं हो। ऐसे मन के अंदर है और ना की भावना क्या है? बोलो तो नहीं है और नहीं तो वो मैला है, बोलता मैल है, बोलता तो गंदगी होता है। हे और नहीं से परे हट करके सिर्फ मन की शुद्धता की ओर ध्यान दे, वही प्रज्ञा है, होता है। उसी के द्वारा तुझे पता लगेगा कि ये संसार जो है वास्तव में है कुछ भी नहीं है, है कुछ भी नहीं है, फिर भी है। कैसा है? हमेशा रहने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हमेशा रहने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत है, कुछ समय तक रहता है, जितना जितना हमारा कर्म होता है, फल होता है, जितना जितना घी होता है, जितना जितना कम होता है, जब तक उसको रहना है तब तक रहता है। जब वो घी और कम खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारा जिंदगी में ठीक ऐसा ही है। कोई कोई किसी माता के, किसी माता पिता का जो बेटे होते हैं ना, वो तो पिछले जन्म में कभी कभी दुश्मन जैसा होता है, दुश्मन होता है, और यहाँ आपके बेटे के रूप में आया होता है, बेटे के रूप में दुश्मन को बदला लेने के लिए आया होता है। लेकिन आप एक माँ हो, आपने सोचा ये मेरा बेटा है, उसका पालन पूलन करेंगे, लेकिन वो आपको बहुत दुख देकर चला जाएगा, क्योंकि वो बदला लेने के लिए आया था। कहीं कहीं पहले आपने आपका बहुत एहसान होता है उसके ऊपर, फिर अभी बेटा बनकर के आपके सेवा करने के लिए आया होता है। जितना तक सेवा करने का टाइम है तब तक सेवा करके चला जाता है, जितना तक दुश्मन को बदला लेना होता है तो बदला लेकर चला जाता है। रहने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ जितना जितना। इसीलिए तो कोई छोटे में एक्सीडेंट होकर गुजर जाते हैं, कोई माँ की कोख से जन्म लेकर गुजर जाते हैं, वो अपना कर्म तय के अनुसार निश्चित होता है। जब जब जाना है उसको जाना ही है, ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कोई कुरम बचा सकता है, ना कोई छत छोर में मरने कोरा लगा के बचा सकता है, नहीं बचा सकता है, कर्म ही ऐसा होता है ना। तो कहने का मतलब दुर्जय चौपाल में ये कह रहे हैं कि जितना भी ये संसार है, ये संसार है, एक बार बुद्ध जी कहते हैं ये संसार है, होते हुए भी कुछ भी नहीं है, बोलते ना जब ये दुर्जय चौपाल में, ये संसार है, फिर रज्जू समझो ये संसार है, क्योंकि संघर्ष ने इस पर संसार नहीं है बोल के जाना, इसलिए ये संसार है। नहीं बोल रहे कपड़ से बार बार, है ना, नहीं होते हुए भी है जैसा लगता है, है जैसा लगता है, भी है नहीं है, ये ऐसा है, ये कुछ, ये संसार तो इसी को बोलते हैं ना हम लोग। है बोलेंगे तो अभी नीचे पौड़ी से उतरते हुए टांग फिसल करते आपके मन और क्या कहते हैं शरीर जो है हट जाता है, तो वो तो गुजर गया है बेचारा, फिसल के गुजर गया बेचारा ना, कहाँ है? नहीं है ना, अभी अभी तो थे, छत सुन रहे थे, अभी अभी नहीं है, नहीं बोल रहे। तो असलियत में नहीं है, जो है वो केवल आकाश के बादल की तरह मंडरा रहा है यहाँ वहां। जब तक हम बादल होता है तब तक होता है कि आकाश में बादल है, सफेद बादल है, क्या कहते हैं लाल बादल है, वो इंद्रधनुष जल शक्ति हो गया इंद्रधनुष। कुछ समय के बाद हवा का झोंका आ जाता है या गर्मी आ जाती है, इंद्रधनुष भी गया, हवा का झोंका आया, बादल सब आकाश में विलीन हो जाता है। ठीक इसी तरह ये हमारा जीवन है, है कुछ भी नहीं है, खाली आकाश की तरह तंबनी है। तंबनी से ऊपर जब तक ग्यू और चन है, सबन और चन है, तब वो बाहर आ गया। जब सबन और चन कमजोर हो गया तो शरीर बुढ़ा हो गया, गिर गया, काम करना बंद कर दिया, मन हट जाता है, तो फिर खत्म हो जाता है। मतलब इसलिए नहीं है, नहीं है बोलते बार बार संजय चंदन जी ये कहते हैं। इसको शरद कहते हैं। शरद का मतलब सत्य को जानना। सत्य क्या है इस दुनिया में?
संघर्ष करते हैं, दुजे तमचे मितकवाद होता है। दुजे तमचे मितकवाद, जितना भी जो वस्तु है इस संसार में घी और तेल से पैदा हुआ है वो सब मितकवा है। मितकवा मतलब टकवा नहीं है, नहीं बोलते बद्वा है ना, मितकवा है, नित्य नहीं है, अनित्य है। अनित्य निषेधवाचक शब्द है, अनित्य नित्य नहीं है इसलिए अनित्य है। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला, कभी भी नहीं नष्ट नहीं होने वाला। तो ऐसी चीज संसार में कुछ भी नहीं है, एक दिन नष्ट हो नहीं है, खत्म हो नहीं है, इसलिए अनित्य है। द्विजात हमसे नितक, क्योंकि द्विजात है ना, सब कुछ मिलजुल करके बना है। जब मिलजुल करके बना तो कमजोर हो जाएगा, तो जब एक दिन घोर तेल खत्म हो जाएगा, कारण और हेतु जो खत्म हो जाता है तो सब वैसे खत्म हो जाता है। कारण और हेतु घोर चेन जब डेलचे हो जाता तो दिखाई जैसा देता है, घोर तेल खत्म हो जाता तो फिर खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, द्विजात हमसे नितक हुआ। सच्चेत हम जो दुनिया बोलते हैं, जितना भी इस दुनिया में हमारा सोच विचार, हमारा घर मकान जो हम लोग सोच करके जो बनाते हैं ना, वो बनाना है ये है, ये जितना भी हमारे मन में एक विचार आ जाता है, ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, बनाते भी हैं, सब कुछ होता है, घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, खुद कमाऊंगा, बच्चों को पालूंगा, पोते को भी पालूंगा, ये है वो है, इसको द्विजय कहते हैं। ये सारी चीज हम तो सोचते हैं हम खुशी के लिए सब बना रहे हैं, खुशी होता क्या है, होता है खुशी नहीं होता है, ये सब दुनिया का जू हो जाता है। जितना भी संसार का विचार है, चाहे अच्छा विचार हो गलत विचार हो जो भी है, आखिर में दुख देने वाला ही होता है। इसलिए द्विजात हमसे नितक हुआ, सचेत हमसे टूटा हुआ। जिस विचार के साथ ममता जुड़ा हुआ है, जिस विचार के साथ आसक्ति जुड़ा हुआ है, जिम्मा जुड़ा हुआ है, छत्ता जुड़ा हुआ है, वो दुख का ही कारण है। वो बाद में आपको दुखी ही बनाएगा। बोलते संघर्ष ने यह बताया, ये चरप है, ये सत्य है। फिर कहते हैं छेत हमसे पंचन दाम व्यापार। बोलते हैं जितना भी संसार में जो वस्तुएं दिखाई देती है, जितना भी मनुष्य जीव जंतु दिखाई देता है, घर मकान नदी नाले पेड़ पौधे जो कुछ भी दिखाई देता है, दिखाई तो देता है बोलते, लेकिन उसके अंदर हमेशा रहने की क्षमता कुछ भी नहीं है। हमेशा बने पहाड़ है, ये लाखों करोड़ों साल तक रहेगा, रहेगा भी तो एक दिन जब भूकंप आ जाएगा, गिरना ही गिरना है, ज्यादा बारिश आ जाएगा तो खिसकना ही खिसकना है, धूप ही धूप चमकते रहे तो नदी नाला सूखना ही सूखना है, सुखना जरूर है। ये जो जुम्मन जीव का बैलेंस है ना, साचू मैदुम सा ज्यादा हो जाए तो आदमी मर जाएंगे, जीव जंतु मर, पानी ज्यादा हो जाए तो जीव जंतु मर जाएंगे, पानी बिल्कुल ही ना हो तो जीव जंतु मर जाएंगे, आग ज्यादा आ जाए तो जीव जंतु मर जाएंगे, आग बिल्कुल ही ना हो तो जीव जंतु मर जाना चाहिए। तो बैलेंस पर रखा हुआ है, जब बैलेंस बिगड़ जाता है ना, पूरा प्रलय हो जाता है, सब नष्टवान होना नष्ट हो जाता है। इसलिए हर एक चीज जो है उसको परीक्षण करोगे ना, अपने आप में कुछ भी नहीं है, अपने आप में कुछ भी नहीं है। जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं, अपने शरीर को देखेंगे तो क्या हमारा सिर मैं हूं, हमारा शरीर क्या, हमारा सिर जो है क्या हमारा शरीर है? अगर सिर ही शरीर होता तो कान की आवश्यकता नहीं, नाक की आवश्यकता नहीं, पैर की आवश्यकता नहीं, हाथ की आवश्यकता। सिर अपने आप में शरीर नहीं है, कान अपने आप में शरीर नहीं है अकेला, नाक अपने आप में शरीर नहीं है, मुंह अपने आप में शरीर नहीं है, चेहरा अपने आप में शरीर नहीं है, टांग अपने आप में शरीर नहीं है, हाथ अपने आप में शरीर नहीं है, शरीर का एक एक अंग अपने आप में शरीर नहीं है। ये तो सब कुछ जुड़ जड़ करके अपने लाय से कर्म से, मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का शरीर, माता के पेट में पहले कुछ भी नहीं होता है, माता मांस का बोखड़ा होता है, उससे फिर ब्रांड निकल आता है, फिर धीरे धीरे आंग फट के निकलता है, कान निकलता है, जीभ निकलता है, वो लय के अनुसार एक एक करके जुड़ 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 करके 9 महीने के बाद कंप्लीट मनुष्य का शरीर होने के बाद तब जाके बाहर आता है ना, पहले से शरीर थोड़ी आता है। एक 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 वो व्यू चन सब इकट्ठा होते 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 तब जाके शरीर बना होता है, फिर उसको शरीर बोलकर नाम दिया होता है। उसी तरह ये चौबे है, ये पहले चौबे पहले से यहाँ थोड़ी था, पहले से ये चौबे यहाँ नहीं था, ये तो किसी पेड़ था, कोई पेड़ था, पेड़ को किसी ने काट के लाया, फिर भी चबजे नहीं बना, फिर आरा मशीन में ले गया, फिर उसको काटा, फिर भी चबजे नहीं बना सिलेबर पर, फिर उसको चबजे के लिए बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में काटा, फिर भी चबजे नहीं बना, फिर कील लाया, फेविकोल लाया, सब लाया, मिस्त्री लाया, फिर पट्टा टुक टुक करके कई दिनों के बाद ये चबजे बाहर आता तो नहीं आता है। ये अपने आप में चबजे पहले कहाँ था, नहीं था। हम भी अपने आप में पहले इंसान कहाँ थे, नहीं थे। दुनिया की जो भी चीज है अपने आप में पहले से सिद्ध नहीं था, वो सब हेतु और प्रत्यय को जुड़ जुड़ करके बना हुआ है। इसको संगे तंडल बोलते हैं, तंडल तेंचिंग ढेलवा जुआ गं देनी तुम्बा नेतु शी देवा तेने तत्वा दे देनी उन्हें लम्बे नौ बोले सब तंडल है। एक एक हेतु और प्रत्यय को जुड़ 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 करके ये बड़ा संसार बना है, फिर उसी में छोटी छोटी चीजें बनाए। हमारा शरीर भी हेतु और प्रत्यय को जोड़ करके आया है,
क्योंकि यू और केन से जुड़ करके ये संसार की सभी चीज आई है, इसलिए वो सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो यू और केन की आवश्यकता था ही नहीं। यू और केन से बना हुआ ना, तो इसलिए यू और केन जब कमजोर हो जाएगा तो सब फट जाएगा, टूट जाएगा, है ना। हम जब बचपन में थे तो हमारा शरीर कितना कोमल था, बदलते गया बदलते गया बदलते गया, बुढ़ापे में आया जो सिर सफेद होता था, ऐसा लगता है कि सिर पर बर्फ गिर रहा हुआ है, सबका सिर सफेद हो जाता है। जिस आंख से हम स्पष्ट देखते थे वो आंख धुंधला कर जाता है। जो कान बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता था अब बहरा हो चुका है। जो टांग हमें एकदम दौड़ने खड़ कुदरे में जाता वो फिर घुटना में दर्द होकर के बिल्कुल कछुआ के चाल में चलना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा कमर सीधा होता था वो टेढ़ा हो गया होता है। क्यों? नितंबा है, कोई भी रहने वाला चीज नहीं, सब खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध जी दोरजे चोपा में कुछ भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं है कुछ समय के लिए, जब तक है तब तक है, लेकिन हमेशा रहने वाली नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि है रज्जो, तू क्यों सोचता है कि ये चीजें हमेशा रहता है। जो व्यक्ति हमेशा रहता है समझ करके उसको पकड़ लेता है, जिंदा कर लेता है, तो सभी दुख वहीं से आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि संगे चलने में जियो मत, सब कुछ छोड़ जाए, ऐसा नहीं बोलते। इतना तो समझो कि हम कुछ भी नहीं है, हैं बहुत अच्छी भाग्य की बात है। जब तक जीना है तो सुख से जीना है, दूसरों को भी सुखी से जीने देना है, खुद को भी सुखी से जीने देना है, और पूरा समाज में शांति का वातावरण लाना है। ये बुद्ध जी ने संदेश दिया था, क्योंकि सबका नेचर एक है, सबका स्वभाव एक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि संसार में जो कभी ना मरे। मरना निश्चित है, बीमार होना निश्चित है, बूढ़ा होना निश्चित है, वो भी अगर हमारा जीवन लंबा हो तो। कोई तो बिना बुढ़ापे पहुंचे ही जब फूल की तरह खिल रहा होता है तब मुरझा जाता है ना। जब फूल खिलता है तो खिलने के बाद मुरझन मुरझाना ही है, समझ गया ना। वही हकीकत है, फूल हमेशा खिला हुआ थोड़ी होता है, खिलने के बाद मुरझा जाता है ना। तो खिला तो उसी समय पता लगना चाहिए कि ये एक दिन मुरझा जाएगा। वही बात दर्जे चोपा में बार बार संगे से कहते हैं। मैंने इसको आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इसको मैंने अभी कहा। तो कल हम लोग ने कहा देखा था, तो यहाँ मैंने ये बताया था कि कल संघर्ष को जो है रूप से नहीं देखा जाता है, संघर्ष को जो ज्ञान से देखा जाता है। तो फिर यहाँ एक बार संघर्ष कहते हैं कि यंग रज्जर धन वाला शब्द के दू, कोई भी व्यक्ति मुझे कहता है कि ऐसा कहता है कि शुद्धम जनतम जैनसम सूक्ष्म नलवरा होते। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि संघर्ष जाते हैं आते हैं बैठते हैं सोते हैं खाते हैं पीते हैं इत्यादि इत्यादि, जो कहता है कि संघर्ष के ऊपर ये जो आरोप लगाता है, वो व्यक्ति मैं जो कह रहा हूँ ज्ञान के बारे में उस ज्ञान को समझा ही नहीं बोलते। इसके मतलब क्या है? संघर्ष कभी कहीं से आया ही नहीं, कहीं जाते नहीं, सोते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, उठते नहीं, उद्देश्य नहीं करते। इसका मतलब क्या है? संघर्ष जो है सन का नवो है, सन का जो गवो होता है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो ज्ञान होता है। जो ज्ञान होता है वो कहीं से आया नहीं होता है, कहीं गया नहीं होता है, कहीं सोता नहीं है, कहीं उठता नहीं है, बैठता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, हमेशा शुद्ध होता है, पवित्र होता है। असलियत में संघर्ष वही है बोलते थे दुर्जय चोपड़ा ने। रज्जो को बताते हुए संघर्ष ने यह बताने की कोशिश किया, समझ गया ना। संघर्ष जो ज्ञान है, संघर्ष तो कुजुक है, संघर्ष तो कुजुक संघर्ष नहीं है। ऐसा सोचो, हम हैं, हम हमारा शरीर नहीं है, मैं खेपो हूं, खेपो मेरा शरीर नहीं है। अगर मेरा शरीर खेपो होता तो खेपो आदमी प्रवचन करते करते गुजर जाता है, मन में है तो मैं तो ऐसा बैठ गया, तो वो ना मुंह हिलाएगा ना कोई सोचेगा आपको बता पाएगा। उसके अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान तो है नहीं, निकल गया है, गड़बड़ी हो गया तो नहीं बता सकता ना। इसको संघर्ष पर कुजुक संघ नहीं है। आपके शरीर नहीं हो, आपके मन हो। संघर्ष को मन नहीं कहा जा सकता, संघर्ष संघर्ष का ज्ञान है। तो इसलिए कहते हैं कि रज्जो जो व्यक्ति कहता है संघर्ष जनतम जनसम सूक्ष्म निशेष हो, वो मेरे कहने का अर्थ जानता ही नहीं है, समझ गया ना। संघर्ष में ज्ञान है। संघर्ष जो होते हैं ज्ञान है, ज्ञान ना कहीं से आया होता है, कहीं गया होता है, नहीं होता है। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है संघर्ष का मतलब हमेशा जागते रहना, फूल की तरह है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है, वो शरीर नहीं है, वो ज्ञान है। जो
사이 둘 진이 오빠 대박 대박 대빨나 둘 사람지 초 진도 치더지네 라디오 비즈니스한테 좀 둘 사람지 초도 막마 옛날만 라디오지 소 소파 청년대 대대 장학대 그리고 다른 대대 생겨 라디오지 대대 라디오도 수부지 대대 तो जो उपाली समझते हैं उपाली नहीं है उपाली तो दुर्वा के बारे में बहुत उत्कृष्ट है रबजोर जी जो है शरद और संगस को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाले रबजोर होते हैं इसलिए यमपति खोल कर देखिए तो रबजोर रबजोर रहेगा पुंगा वो आएंगे कम आएंगे रबजोर ज्यादा आएंगे तो यहाँ रबजोर जी को बताते हैं कहते हैं कि कोई व्यक्ति त्रिसहस्र महासहस्र मतलब कई कई 30,000 3,000 संसारों के संसार के जो धूल होता है मिट्टी होता है उसको अगर उसको कितना ज्यादा है कम है कि ज्यादा है देखे तो फिर वो कम है कि ज्यादा है कि करके भगवान बुद्ध जी रबजोर से पूछ रहे हैं गीता के पढ़ना धूल खराब जी सिंधु छिमरा जी ने और धूल को वो उसको भी और भी पीस करके छिमा बना के चंपा की तरह छिमा बना के शिव बना के देखे तो रबजोर कहते हैं कि वो ज्यादा होगा कि वो धूल कम होगा बोलते हैं फिर रबजोर कहते हैं कि चुंगन दे छोटे मंगवा हिंदा क्या वो ज्यादा होगा कि नहीं रज्जो कह रहे हाँ वो तो बहुत ज्यादा हो गया पूरा संसार वो भी एक संसार में दो संसार में हजारों संसार के मिट्टी को पीस पीस करके चट्टान को पीस पीस करके उसको धूल को अगर गिनने लग पड़े तो गिन ही नहीं पाएंगे वो इतना ज्यादा होगा कि करके रज्जो जी ने बुद्ध का समर्थन किया चंदन दे देकर लगते है ऐसा ही धूल खरब चे छोटे मंगवा लक्ष्य वो धूल जो है जो 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 धूल जो है बहुत ज्यादा होगा कह रहे हिची निर्देशना क्यों चंदन दे कहते धूल खराब चीज छो छिपरा चुना चंदन दे जी धूल खराब चीज छो शेर का मिसाल में लिद हो अगर धूल खराब का जो छो जो है बिना तोड़े वैसे हमेशा बैठने वाला होगा तो चंदन दे जी कभी भी नहीं कहते भगवान जी कभी नहीं कहते कि ये धूल है धूल अपने आप में धूल नहीं है उस धूल को भी पीस के और भी कमजोर बना सकता उसको भी पीस के और भी छोटा बना सकता है बाद में पीस पीस करके कुछ भी नहीं दिखाई देता है आसमान हो जाता है समझ गया ना छोटा से छोटा धूल को अगर उसको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ तो धूल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोलते हैं साइंस वाले वो बाद में रहता ही है पहले अमेरिका वाले और जर्मनी वाले बोल रहे थे कि भगवान तो क्या कह रहे हैं सब तंबा नहीं है सब नंगा है ऐसा क्यों कह रहे होते अमेरिका के वैज्ञानिक और जर्मनी के वैज्ञानिक लोग माने ही नहीं संघर्ष को फिर साल बीतते गए अभी एक दो साल में 5-6 साल पहले उन्होंने दोबारा चेक किया कि भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में कुछ है ही नहीं है क्यों बोल रहे हैं तो दोबारा चेक किया उन्होंने एक वो किया क्या कहते हैं एक मशीन बनाया उसका नाम बब्बल चैम्बर के नाम था उसमें छोटा सा धूल को डाला है कि नहीं है बाद में कुछ बचता कि नहीं है उसको देखा बाद में धूल दिखाई नहीं दे रहा बोलते सब आसमान में सा हो जाता है फिर उसके बाद उन्होंने संघर्ष को मानना शुरू किया बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि आप सबसे बड़े गुरु हो दुनिया का अमेरिका ने कहा जर्मनी ने कहा साइंटिस्टों ने मान लिया कि सबके पीछे तुम तो पंगा नहीं बोल दिया ना शून्य है कुछ भी नहीं है तो उन्होंने पहले पति उसको परिश्रम को पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन दबा दिया तो वो हमेशा धूल जो है बचता है सोचता है इसको तो तोड़ ही नहीं सके तो बच रहा है संघर्ष में तो कहा कुछ भी नहीं फिर उन्होंने दूसरा मशीन बनाया पीस पीस करके देखा तो चिमन धुआं में तो सोचे तो तुम संगे धंधा धंजन रहे धूल ऐसा उन लोगों को प्रसिद्ध हुआ अमेरिका और जर्मन वालों भगवान बुद्ध के शरण में चले गए समझ गया ना संघर्ष इतना सत्य बोलते हैं ये जो दर्जी चुपा है ऐसा थोड़ी ना ये सत्य बात है सत्य बिल्कुल एक रति ऊपर ना नीचे बिल्कुल स्पष्ट बात को बोलते हैं चंदन दे धूल जो है अपने आप में कोई सिद्ध नहीं है इसलिए समझे चंदन ने इसको धूल कहा धूल कहने पर वो सिद्ध नहीं जो भी है बोलेंगे ना वो वास्तव में नहीं होता है आप बोलेंगे मैं हूं बोलूंगा ना मैं होता नहीं है उसको तोड़ के देखो क्या आपका सिर मैं है सिर मैं थोड़ी होगा फिर तो कान में नहीं हो जाएगा वो तो सब शरीर को जोड़ करके मैं बोल के ऐसा करते हैं ये छाती अकेला मैं थोड़ी ना सब शरीर को जोड़ करके मैं बोलते हैं बाद में देखें तो मैं शरीर कैसे होता है शरीर तो मेरा है हम गलत हो रहे हैं फिर अंदर जो मैं क्या चीज है तो मन हो जाता मन को मैं बोल रहे हैं और मन को भी देखते 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 जाएंगे तो मन तो बैठने वाला नहीं है एक सेकंड में भी तीन टुकड़ा करे तो एक बीता होता है एक बैठा होता है एक जारा होता है तो जो बैठ तो होता ही नहीं है मन जो इतना दौड़ रहा होता है हमारे घड़ी का सेकंड का सुई और बिजली का मीटर घूम रहा है ना उससे भी जल्दी जाता होता है मन लेकिन हम लोग ने एक
वो ब्रह्म होता है कि मैं वो मैं हूँ, मैं हूँ बोल के ब्रह्म होता है, क्योंकि हम लोग बहुत मोटा दिमाग के साथ हमेशा बैठूंगा जैसा करके धन दौलत को इकट्ठा करते हैं, कभी भी नहीं मरूंगा जैसे दूसरों को चुगली करते हैं, खुद को रक्षा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग पूरा उल्टा जा रहे होते हैं, ज्ञान का पूरा विपरीत जा रहे होते हैं, इसीलिए तो उथल पुथल मचा होता है संसार में। जब कोई मर जाता तो दुख का पहाड़ आया जैसा लगता है, वहां दुख होने की आवश्यकता है ही नहीं है, मरना तो है ही है, मर गए प्रार्थना करना है, शांत होना है, स्वच्छ होना है, पवित्र होना है, अरे ये गुजर गया मैं, मुझे भी तो गुजरना है, इतना ज्ञान आ गया हो तो आगे आप में थोड़ा सुधार आ जाता है, फिर वो दर्जी चौपा वाला जो प्रवचन का जिंदा भरना वो आने लग पड़ता है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या होता है, कोई मर जाता है गुजर जाता है तो एक पठन होता है, परंपरा होता है, उसके लिए पूजा करेगा, तुमसे किया किया, आप कैसे हो वैसे का वैसे, उससे भी गंदा हो सकते हो आप, लेकिन वो पठन किया पूजा पूजा किया, क्या क्या बोलते हो, हमारे यहाँ तो पलटू पलटू बांधते हैं, राणा जी को बुला के जब जी जी नहीं है मिठू का लगाते हैं, झिठू लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मिठू का और झिठो लगाना बहुत अच्छी है, मिठू का संदेश खुद है, झिठो में बर्दो ठिठो के अंदर जितना भी मैंने संदेश दिखाया था वो है, लेकिन झिठो लगाते समय झिठो लगाने ही नहीं आया तो फायदा नहीं होता है, मिठू का लगाते समय मिठू का लगाने ही नहीं आया तो फायदा नहीं होता है, उस समय मन में तत्वा शुद्ध मन, पवित्र मन, स्वच्छ मन होना चाहिए, जिंदा नहीं होने वाला मन होना चाहिए, तब जाके पूजा भी पूजा हो जाता है, साधना भी साधना हो जाता है, फिर असली संघर्ष का छस बन जाता है। देखिए देते जरा चंदन देखिए दुर्घर अपने सोचे धन सुनवाते स्वप्न छे प्रदेश के सुन भी लेते वह कह रही थी जो सारी दुनिया के जो धूल है वो वास्तव में धूल नहीं है, इसीलिए तो उसको धूल कहा जाता है, कुछ होता तो उसका नाम होता ही नहीं है, जो बिल्कुल स्वच्छ ज्ञान होता है ना उसका नाम भी नहीं होता है, उसको अपना अनुभूति से जानना पड़ता है, जहां पर आपने नाम रख दिया तो उसमें कल्पना जरूर होता है, तो इसलिए वो गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए उसको परमाणु परमाणु कहते हैं, अणु परमाणु कहते हैं हिंदी और संस्कृत में, तेजन शिव्य तुम सुनते तुम चिंते जितिन जी खम छे तम सुनते खम मचे पर तेजन शिव्य सुन सो, क्योंकि रज्जोर बोलते हैं जो भगवान ने जो तुम सुन जितन चिंते जितना भी संसार है, ये तो हमारा एक दंड नहीं है ना, ऐसे करोड़ों लाखों कई हजार इतना संसार होते हैं, वो दिखाई में संसार दिखाई देता है, दिखाई में पहाड़ नदी नाले घर गृह क्या कहते हैं गांव शहर आदमी सब कुछ दिखाई देता है, दिखाई देते हुए भी वो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, एक दिन नष्ट होनी है, इसीलिए वास्तव में वो कुछ नहीं है, है लेकिन नकली रूप में सब नहीं दिख रहा है, ये बताते हैं भगवान, इसीलिए उसको तुम समझे तुम छिंदो बोलते संदेश कहते हैं, देना तुम समझे तुम छिंदो जितन जी थम छे जाओ, इसीलिए तीन सहस्र महासहस्र जितन है जगत है बोलते संदेश कहते हैं, है कहते हैं लेकिन है जो कह रहे हैं वो वास्तव में उसका कोई वास्तविकता नहीं है, दिखाई देता है उसको प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, दिखाई भी दे सकता है, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, यूटिलाइज करते हुए भी प्रयोग में लाते हुए भी एक दिन वो नष्ट हो जाता है, जो यूटिलाइज करने वाले होते हैं जो प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति होता है वही नहीं रह जाता है, तो उसको यूटिलाइज करने का जो घर गृह जगह जमीन बगीचा है उसका कहने ही क्या बोलता है, कहने का मतलब आदमी मर जाता तो उसके दंडवत का कहने ही क्या बोलता है, वास्तव में कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं ना, यही चीजें संज्ञा चुनने जो बोलते हैं, तो जिसको संज्ञा ने संसार कहा है उसको संसार नहीं है कहा, जिसको संसार ने व्यक्ति कहा है उसको संज्ञा ने व्यक्ति नहीं है कहा, जिसको संघर्ष ने क्या कहते हैं चांद कहा है वो वास्तव में चांद नहीं है, क्योंकि चांद हमेशा रहने वाला नहीं है, ये तो ग्रह का खेल है, चांद और पृथ्वी टकर जाएगा प्रलय हो जाएगा बंग करके सब आसमान हो जाएगा, ये तो अच्छा है कि चांद और पृथ्वी के बीच में थोड़ा गैप है, सूरज और पृथ्वी के बीच में गैप है, ये तो गोला की तरह घूम रहा है, जब टकर गया तो फिर तो खत्म हो जाता है ना, और खत्म होना है ही है, इसलिए वास्तव में नहीं है। अगर ये संसार की जितनी भी जो यूनिवर्स है विश्व है जितने भी संसार है अगर वो वास्तव में होगा तो वो हमेशा एक शाश्वत दृष्टि से एक खंड के रूप में एक ठोस रूप में होना चाहिए बोलता है, अगर संसार वास्तव में होगा तो एक ठोस रूप में खंड की तरह हमेशा विनष्ट नहीं होने वाला होना चाहिए बोलता है, लेकिन विनष्ट नहीं होने वाला चीज क्या है, नष्ट होना ही होना है ना, तो वही तेजिन शिव्या रिप्रो जिम्बा सुबा के जिम्बा माचे पे तेजिन शिव्या सुबे छेदो,
अगर हमेशा रेलपुर मित्र तो जैसा ये खंड जैसा चट्टान जैसा हमेशा रहने वाला है ऐसा समझे तो गलत हो जाता है ध्वजी चौपाल, क्योंकि वो खंड भी टूट टूट करके खत्म होगा। तो इसीलिए उसने जो रिलपो जो खंड है कहा गया है उसको खंड नहीं है कह करके, खंड मतलब एक ठोस चीज नहीं है कह करके भगवान बुद्ध जी ने बताया। हम किन्नौर वाले तो बहुत अच्छा समझ सकते हैं, हम जब अभी किन्नौर से यहाँ आए होते हैं ना तो वापिस जाते समय रास्ता का हुलिया ही बदल गया होता है ना, जहाँ पर पार रहता था वहां मैदान जैसा दिखाई देता है, मैदान होता था पार जैसा, पंगी नाला से आगे कितना कितना चेंजिंग होता है। इसका मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है ना, कभी गिरता है कभी क्या है, रोड का क्या हाल होता है समझ गया ना, फिर भी हम लोग वही रोड है समझ गए थे, वो रोड भी वही नहीं है आप भी वही नहीं हो, वो अलग अलग स्थिति में चलता होता है, ये तो हमारा अज्ञान है, हम लोग वही है समझ के बैठते हैं। देना रिलपुर जिम्बा जे चाहो जो ठोस जैसा दिखाई देता है वो ठोस जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो ठोस नहीं है, ठोस नहीं होने पर इसीलिए संदेश ने उसको ऐसे नाम दिया हुआ है ठोस है। कल मैंने बताया था ना किसी के नाम तशी है ना, वो तशी होता है या नाम लिया होता है तशी दर्शो ना दे खला सा बोलते हैं ना, वो तशी कहाँ होगा, उसके जिंदगी में पूरा टाइम इसी पर आया हो सकता है, नाम तो तशी रखा हुआ है ना, तो वो उल्टा चलता है ये सब समझ गए। चंदन दे जी का चल पा भगवान बुद्ध जी उपदेश कर रहे हैं, रबजोर बिलपुर जिम्बा ये निथनी पे टॉपिक के तहत जो चंदन दे जी कह रहे हैं दोबारा, जो हम लोग ठोस है समझ के बैठते हैं है समझ के बैठते हैं वो सब थनित है बोलते हैं, थनित का मतलब व्यवहार में संसार का चलन के रूप में है बोलते हैं, संसार वाले तो संसार के अनुसार चलेंगे ना, क्योंकि संसार तो दुख का घर है ना, दुख का घर को भी हम लोग सुख का घर समझते हैं ना, वो संसार का अपना विचार है बोलते हैं, वहां उनके लिए ठीक नहीं है ठीक है, लेकिन सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो केवल वो व्यवहार है हमेशा रहने वाला नहीं है बोलते हैं थनित। छी देवी जब मैं पा हिन्ना जो छस जो है ज्ञान जो है संघर्ष का ज्ञान जो है वो अनुभव की बात है बोलते हैं, अनुभव के द्वारा आप जान सकते हो सत्य क्या है, जो तुम्हें पर मुंह से जो है आवाज के साथ यथावत ये ज्ञान है बोलते दिखा नहीं सकते हो। कल मैंने कहा है ना ये ज्ञान है बोलूंगा तो ये तो चश्मा का कवर है ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान है बोलते हाथ में दिखा नहीं सकते हो, ज्ञान को पहचान सकते हो अपने मन के द्वारा अपने आप ससुर हिस्से चोयुल हुआ अपने रंग के हिस्से के द्वारा ही जाना जा सकता है, बाहर दिखा करके ज्ञान को देना दिखाया नहीं जा सकता है। इसलिए शुद्ध ने जब मैं पाते खाने शुभ नागी नागी मेरा ज्ञान यह है बोलते मुंह से नहीं बता सकते हो, मैं भी अपने अंदर कितना ज्ञान है आपको मुंह से नहीं बता सकता हूँ, ज्ञान एक दूसरा चीज है, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ ये भगवान बुद्ध की अमृत वाणी की व्याख्या का एक बहुत स्थूल रूप आपके कान में डाल करके उस असली रूप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो असली रूप आपके कान नहीं समझेगा आपका लगता नहीं समझेगा, जब इसमें डाल करके भर भर सोच विचार करके अपने करेक्टर को बदल करके मन के अंदर शुद्धता को जब पहचानोगे तब वो ज्ञान होगा, उस ज्ञान को आप मुंह से यथावत नहीं कह सकोगे, वही गुंगे के गुड़ की तरह कल गुंगे वाला बताया ना उसी दिखो की तरह देवन जिपर सो सोचे वो नम चे ये भी जो है अगर ये ज्ञान है ये छस है ये है बोलते हमारा संसार में चलता है आप लोग क्यों नहीं चलता है, आज तो हम लोग नगम के पास गए थे भजर गुरु पंक्षी किया भजर गुरु का जप किया कल परसों से फिर मन जप होगा ये है वो है ये सब संसार में चलता है ना, ये जब चलू संसार में चरण के लिए एक दूसरों के अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने के लिए एक व्यवस्था बनाने मात्र है बोलते हैं, अगर असली मन का जप तो आपने जब अपने मन से किया और अंदर जान गया थप्पचेने से वंशु जी का ज्ञान के बारे में कुछ आपको स्वाद आया अनुभव से आया तो आया ही आया, दूसरा उस स्वाद को ले नहीं सकता और आप ही लोगे तो आपको पता लगता है, तो बाहर का व्यवस्था एक व्यवस्था है, व्यवस्था अपने आप में कोई छोस नहीं है, जब तक उसका नियमन नहीं करोगे जब तक उसमें मन में धारण करके अपने चित्त को शुद्ध नहीं करोगे तब तक छोस नहीं है, ये तो एक व्यवस्था है। जैसा हम पिछले चार दिनों से हम लोग दर्जे चौपा का प्रवचन कर रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं मैं बोल रहा हूँ ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए इसको किस तरह से आप लोग अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए उसको समझ करके थोड़ा थोड़ा जीवन में प्रयत्न करते हुए आसक्ति और जिम्बा को हटाते हटाते हुए मन को शुद्ध करते करते जाओगे तो वो छस बन जाता है, ये तो एक व्यवस्था है। तो इसी लेते हैं कि वो तो जितन पर व्यवस्था है कह रहे हैं, इसलिए रजोर हनुमान जी के देखे तो सुन
दिजिन शिपे संचन दोतावा सो दोतावा कंजर दोतावरा सुन सो छे सरना यंग तपरा मावे मावा यंग नम से अब कहते हैं कि रबजर बोते कमला शिप कोई व्यक्ति कहता है कि दिजिन शिपा जो संगे चुन्दन दे हुए थे वो मैं भी कहता हूँ मेरा भी कहते हैं और ये बाहर के संचन थमचित भी है प्राणी भी है और सभी संसार के जीव जंतु हैं ऐसा है कहकर के संदेश बोलता है ऐसा कोई कहेंगे छे सरना यम तो प्रमावे मावा हिन्नम क्या वो लोग सच बोल रहे हैं कि संदेश मैं बोलते हैं संचन है बोलते ये कहते हैं ये कोई सच है बोलते प्रश्न पूछा रजत जी सोपा चंदन दे देने माला सो नहीं भगवान बुद्ध ऐसे पकड़ नहीं पकड़ते हैं संसार के जीवों को प्राणियों को तकजीब नहीं करते छप्पा नहीं करते आसक्त नहीं करते ये ऐसा नहीं हो सकता बोलते रजत जी ने संगस जी से कहा भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता कि संगस मैं का हूँ प्राणी का है जीव का है उसमें जिंदा करे ऐसा हो ही नहीं सकता हो गया रजत जी ने संगस का समर्थन किया चुनने क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या कहे क्योंकि चंदन दे दिजी शब्द तत्व तबरा सुनबा दिजी शब्द ने आत्मा है मैं हूं करके ऐसा कहता है तो तवा मछी पे वो असली दर्शन नहीं है वो असली धर्म का दर्शन नहीं है वो सत्य का दर्शन नहीं है तवा मछी पर दिजी शब्द सुन भी लेते हुए इस तरह से भगवान जी ने कहा ये सत्य नहीं है वो आत्मा है कि करके आत्मा को पकड़ करके उसी को धर्म में समझ बैठा तो वो ऐसा धर्म बुद्ध के उसमें नहीं है इसीलिए भगवान बुद्ध जी किसी कूटस्थ अनित्य आत्मा को नहीं मानते आत्मा को मानते हैं वही नकली आत्मा जो हमारे शरीर के साथ चलता है बदलने वाला उसको नहीं मानते कूटस्थ और नित्य आत्मा बुद्धिज्म में नहीं है और खासियत है भगवान बुद्ध जी ना आत्मा को नहीं मानते भगवान बुद्ध जी मानते भी है तो वही बदलने वाला आत्मा जो गीता में कृष्ण जी ने कहा कि आत्मा तो है अमर आतिश में जो जलते नहीं ढालकर पानी में देखो तो कभी जलते नहीं वाला आत्मा को बुद्ध जी नहीं मानते बुद्ध जी ने तो कहा कि आत्मा भी अपने आप में शून्य है कुछ भी नहीं है सिर्फ वो व्यवहार में चलता है तत्व प्रवासी जाओ जो आत्मा मैं हूं कहने वाला है वो भी व्यवहार में चलता है व्यवहार में है बोलकर बुद्ध जी ने कहा जब परमार्थ में असली धन तंबा शरत से उसको चेपा चेषी करके उसका इन्वेस्टिगेशन करके एनालाइज करके उसको परीक्षण करके देखो क्योंकि आत्मा का है तो आत्मा भी दिखाई नहीं देता है वो जिंदा छूट जाता है वहां से जब वहां से जिंदा छूट जाता है तो थर बदम पंजी चिंदे गौतम की ओर रास्ता साफ हो जाता है चुंदन ने जी का चलता रजोर बेला चंचु संदे थर बाला यंग का प्रशुपा शुपे कहते हैं कि चुंदन दे कह रहे हैं भगवान चुंदन दे मतलब भगवान कहते हैं चुंदन दे छस में चुंदन दे और हमारे हिंदी भाषा में भगवान चुंदन दे जी का चलता भगवान बुद्ध जी ने आदेश दिया रजोर सुबुति देवा जंचु संबे थे बाला यंग दब्रा जो व्यक्ति बोधिसत्वा जंचु संबा के रास्ते पर चल करके वो भी अच्छी तरह सही में जंचु संबा के रास्ते पर जो चलते हैं उनके द्वारा क्या होता है तेरा क्यों तमजी शब्रा जास इस तरह से ये दुनिया जो है वास्तव में शून्यता है तुम बनी है तुम बनी होते हुए भी खाली आकाश में चिड़िया उड़ते दिखाई देने जैसा बादल दिखाई देने जैसा इंद्रधनुष दिखाई देने जैसा धुआं दिखाई देने जैसा इस तरह है मतलब जैसा हम पानी को उबालते हैं ना पानी के ऊपर जो बाद आ जाता है बाद तो दिखाई देता है लेकिन बाद को पकड़ो तो पकड़ में नहीं आता दिखाई देता है उसी तरह ये संसार है इस तरह से जितना भी संसार की धर्म है उसको जानना चाहिए तब राजा देखना चाहिए मैं प्रजा उस तरह की कल्पना करना चाहिए छी में छू सो विषय वाला मैं प्रजा हूँ अगर सही में नंबर समझता हो तो नंदन करते 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 किसी भी वस्तु किसी भी रंग रूप के ऊपर पकड़ नहीं होना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए दिखाई दे रहा है बस उतना ही है दिखाई देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है दिखाई दे करके ये मुझे चाहिए ये मुझे नहीं चाहिए वाला भावना आता है ना वहां प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है ये चाहिए ये नहीं चाहिए वाला भावना नहीं होना चाहिए बोले ये तो असंभव है ना आप लोग गृहस्थ हो पैसा चाहिए कपड़ा चाहिए खाना चाहिए होता ना मैं इतना कह रहा हूँ कि दुर्जय चोपा को सुन करके कम से कम छपा चौना पूर्णिमा के दिन अष्टमी छपा जय दशमी छपा छु अमावस्या नमगम यीशु ना पंचमेशी के जो उसमें जो है उन तालों में जब आप लोग मुन्ने करते हो बजरा गुरु लगाते हो मणि लगाते हो भगवान को याद उन दिनों में तो इस तरह का मन बना के पुण्य करो इस तरह के मन से चुन्ना जलाओ पूजा करो पुरा लगाओ मन को शांत सरल करके फिर तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा
क्योंकि संघर्ष का 56 नंबर असलियत में कर रहे हो, समझ गया ना। हमेशा करना तो तब होता है जब आप सही में जनजित संभा हो जाएंगे, जनजित संभा हो जाएंगे, सही में आपका जीवन जो है पूरा धर्म के प्रति समर्पित हो जाएगा, वो अवस्था आएगा अगर आप करते रहोगे तो, समझ गया ना। तो इसलिए जवानी सभी धर्मों को, धर्म दो तरह का होता है, एक धर्म होता है जैसा जवासा दीपा धर्म बोलते हैं उसको धर्म बोलते हैं, क्षय बोलते हैं, और दूसरा क्षय संदेश उसमें संसार के सभी वस्त्रों को भी क्षय बोलते हैं, ये दो अर्थ होता है। यहाँ क्षय तमजन बोलने से सिर्फ क्षय निर्णय का निर्भर नहीं है, संसार का जो भी चीजें देता है उसको क्षय बोलते हैं, ऐसा होता है। ये तो विद्वान लोगों की भाषा है ना, वहां थोड़ा उसका व्याख्या करना है। इसलिए कहते हैं कि जमचुक शिल्पा के द्वारा किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को देखने पर उस पर ध्यान नहीं दे करके, पर नहीं पकड़ करके नमन करना चाहिए, क्योंकि बाहर की वस्तु अपने आप में सिद्ध नहीं है, अपने आप में सिद्ध नहीं है इसलिए उसे वस्तु कहा जाता है। अगर अपने आप में सिद्ध होता तो नाम नीचे होता है, वहां नाम से परे हो जाता है, नाम जब आ गए तो अपने आप में सिद्ध नहीं, अपने आप में सिद्ध नहीं होते हुए भी व्यवहार में नकली रूप में दिखाया देता है, नश्वर रूप में। तो इसीलिए भगवान ने उसको ऐसा कहा, भगवान जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कई हजारों करोड़ों करोड़ों जो जितन के खम से दुनिया के लोक से क्या कहते हैं सब रत्नों को इकट्ठा करके दान देता है एक तरफ, और रिचि गुरु हे छुस्वा या कोई छुस्वा करने वाले स्त्री हो पुरुष हो अगर कोई भी हो तो दूसरे तरफ वो दान दून कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ दुर्जय चौपाट को पढ़ करके उसके सिख को धारण करके और उसको छन नम उसके नमनन करके उसको पढ़ करके पुरुषों पर छिपा हम उसके धंधा को ले करके और दूसरों को भी अच्छी तरह से बता रहा है कि दर्जे चौपा पढ़ने से इसका फेम यह है, दर्जे चौपा में संघर्ष में ऐसा लिखा है जिम्बा नहीं करना, सब भी दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हुए भी सिर्फ व्यवहार में संसार चलने मात्र के लिए कुछ है, इस तरह के प्रचार प्रसार करे तो जो पहले जो रत्नों को दान देने का पुण्य जो मिलता है वो पुण्य जो है दर्जे चौपा को पढ़ करके धारण करके नमन करके किसी दूसरों को बताना उसका स्वर्ण पहले वाला स्वर्ण से बहुत ज्यादा है, इसलिए दर्जे चौपा को पढ़ करके उसके अर्थ को धारण करना सबसे बड़ा स्वर्ण है, बल्कि यह बताया इसका अर्थ यह तुम बाते देना यंग बरा रात को तुम बाशे जाओ जितना यंग बरा जितना यंग बरा रात को मितुम बा देशिं तो यंग बरा रात को तुम बाते, मतलब उसको अच्छी तरह से लोगों को समझाना चाहिए, वहां ध्यान लगाना चाहिए कि लोगों को समझाते समय भी आप में घमंडी ना हो अभिमानी ना हो, लोगों को असली तरह से समझाए उस समय भी जिम्बा ना हो, अगर जिम्बा हो तो नहीं समझाना होगा, जिम्बा बिना जिम्बा से आपको लोगों को समझा रहे होते तो वो असली में समझाता होता है ना, यंग रक्त उत्तम भाषी, इसीलिए उसको असलियत में दुर्जय चौपा को समझाना ऐसा कहा जाता है। फिर यहाँ तक दुर्जय चौपा को संजय चंदन जी ने जो है बताया ऐसा जगह है जिसको हिंदी भाषा में श्रावस्ती कहते हैं, उस जगह में जो है संघर्ष ने इस शख्स को बताया था, उस समय 1250 गेलोंग गेलोंग मा इत्यादि उनके खोर थे, इसके अतिरिक्त कई जमचुक संपर्क थे, उस घर के बीच में उठ करके रज्जुन जी संघर्ष के पास आते हैं, संघर्ष को तीन छक करते हैं, तीन छक करके फिर एक जगह जो चुप चुप करके बैठ के अपना पीनों को लांगा साला चुपते बोलते अपने लांगा मुंह से पीनों को बोलते धरती पर रख करके फिर बड़ा ही शांत भाव से संघर्ष से पूछते हैं कि अगर कोई जमचुक संभा कोई जमचुक संभा हो तो उसका मन कैसा स्थिर होना चाहिए, कैसा नमन करना चाहिए, कैसा धारण करना चाहिए, बोलते ऐसा पूछा ना, ऐसा पूछने पर ये दर्जे चुपा आ गया, दर्जे चुपा ऐसा आ गया, रज्जर जी ने प्रश्न करके उनके प्रश्न के ऊपर में पूरा दर्जे चुपा आ गया। दर्जे चुपा का पूरा निचोड़ करे तो क्या है, ये संसार कुछ भी नहीं है, ये संसार क्या है, पानी के बुलबुले की तरह है,
टिमटिमाते हुए तारे की तरह है, हवा के झोंकों में जलते हुए मरने की तरह है, झोंका कब आए पता नहीं, दिया बुझ जाएगा, तारा टिमटिमा रहा है पता नहीं, गिरते हुए तारे की तरह है, बिजली की चमक है चमक आ गया तुरंत अंधेरा हो गया, सपना की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है, यह संसार जो ऐसा है, और ओशन ओशन गैस मतलब ओस बिंदु की तरह है, घास के ऊपर ओस की तरह है। तो इसको समझाते हुए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये दुनिया का स्वभाव बिल्कुल अनित्य है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, कभी कभी टिकने वाला है, एक एक सेकंड में इतना जल्दी भाग रहा है कि टिकने का समय नहीं है, खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, दिखाई पड़ रहा है लेकिन खत्म हो रहा है, पानी के बुलबुले की तरह, टिमटिमा के तारे की तरह, हवा की झोंक में छमने की तरह, सपना की तरह, जादूगर की जादू की तरह, जादूगर जादू दिखाई देता था, जादू खत्म होता था, जादू होता ही नहीं ना, तो बिल्कुल इसी तरह यह संसार है। इसको समझाते हुए संगे चुनने दे जी रज्जो के कहते हैं परमा गिरते हुए तारे की तरह, रत्रित मरमे हवा की झोंके में दीपक की तरह, जुमा जादूकार के जादू दिखाने की तरह, जिरपा दास के ऊपर ओस बिंदु की तरह, छुभ्र पानी के बुलबुले की तरह, मिलम सपना की तरह, वो बिजली की चमक की तरह, टिन बादल की तरह, विजय चिन्ह देता का। इस संसार को इस तरह से देखो तो फिर आपको पता लगेगा कि यह संसार है क्या चीज है। संसार जो मामो बता दिया पता है ना, मामो बता ये मिलन जब होता उन्हीं पर मिलन रहे, जो हम लोग मिल रहे हैं यहाँ ना, ये सपना ही है, ये बहुत अच्छा सपना है। दर्जी चोपड़ा का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग सपने में, इस सपने को अगर आप सदुपयोग करोगे, मन में धारण करोगे, तो संगीत का छस का स्वाद आप ले पाओगे। कुल मिला के क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन, हमारा मन क्या है, संगीत ने बताया बोल में सन्न धान दक्षिण के सबले जिंदे डामाई सुशिंग रंगला बंसत्तर सन्न रंगे रंगला सेक्स। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन, हमारा मन है बोलते सन्न धान, कौन सा मन, जुम्बा वाला मन, छक्का वाला मन। हम लोग गृहस्थ हैं, आप लोग गृहस्थ है, चलो मैं तो भिक्षु गृहस्थ है, गृहस्थों में छक्का होता ही है, जिंदा होता ही है, लेकिन आप लोग अपने आप से ध्यान देना कि आपके अंदर जो छक्का कभी कभी आता है, जिंदा कभी कभी आता है ना, वो बेकार की जिंदा होता है, बेकार का छक्का होता है, सब कुछ होते होंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वास्तव में। और चाहिए बोलेंगे तो जब नहीं मिलता तो आप दुखी हो जाएंगे, और चाहिए रिपीट होता जाएगा मन में, फिर दुश्मन हो जाएंगे। इस और चाहिए के वजह से भाई भाई में प्रेम की भावना नहीं रहता है, बेटे और माँ बाप में प्रेम की भावना नहीं रहता है, एक घर में आराम से जीना होता है, छोटी सी जिंदगी होता है, उसको भी जीना नहीं आता, पूरा दुश्वार हो जाता है, परिवार के अंदर महाभारत छिट जाता है, झगड़ा हो जाता है, प्रेम की भावना केवल नाम मात्र का होता है, जब मिलते हैं तो पैर छूना मुस्कुराना ये सब अंदर से कैस पब मरेगा सोचते हैं, और बाहर से वड़क सुबह आपस में नमस्ते जी नमस्ते, दुनिया पब मरेगी यार, हमारे को बुरा तंग करता है, ऐसे सोचते है ना ज्यादा लोग, मुझे पता है ये कितना गंदा विचार है, हम क्या नंगा है, हम लोग नंगा समझे इस पर, अपने माता पिता तक को सेवा करने नहीं है, जिसने जन्म दिया तुमको उसके दुश्मन बन के बैठा होता है, ये क्या है, क्या कुछ भी नहीं है ना। अब ये दर्जे चौपा में क्या बोल रहे हैं, ये दुनिया है क्या, ये परमा रब्र मरने का जुम्मन जब छुपड़ता मिलन लोटन चुनता वो दर्जे चलन देता था, ये सबके ऊपर लागू होता है, मुझ पर भी लागू होता है, मामा जी के ऊपर भी लागू होता है, सभी के ऊपर लागू होता है, सब पर हम टिमटिमाते हुए तारे की तरह, पानी की बुलबुले की तरह, रात को सो जाते हैं पता नहीं कि सुबह उठे या ना उठे, अगर ये हमारा सांस बाहर जाके अंदर नहीं आया ना, गिर गया मर गया, ये तो बहुत अच्छा भाग्यशाली है, सांस बाहर जाके फिर अंदर आ रहा है, ये बंदर उठ जी ने कहा है ना, इसीलिए बिल्कुल निकटता, इसमें तो प्रेम से जीना, प्यार से जीना, दूसरों को क्या जीना सिखाओगे, अपने परिवार को कैसे जीना सिखाओ, माँ बाप का सेवा करना सीखो, बेटे बेटियां जो है माँ बाप का सेवा करना सीखो, और माँ बाप का प्यार तो हमेशा होता है बेटा बेटियों के लिए, दुर्भाग्य से जो बेटा बेटियां होता है माँ बाप का सेवा करता ही नहीं है, और ये सास और बहू वाला झगड़ा ये पूरा दुनिया में चलता है कुछ भी नहीं होता है, वो चिंगारी मार देता है, इतना आग जला देता है कि थोड़ा पहले आराम से जी रहता है, और भी खुद अपने द्वारा बसन कर देता है, किसमें कौन हमारा मन, ये जो मन में जो कपट विचार है, दूषित विचार है, सन्न धन दक्षिण के सबसे बड़ा दुश्मन अपना मन, सब लोग जिन पर जाए दुश्मन हो तो अगर तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारा मन है, और मित्र भी होता सबसे बड़ा तुम्हारा मन है, जब
मन ऊपर बन जाता है तो असली लामा अपना सन से हो जाता है। वो लामा कहता है यार करो छस तो आप सुधरते जाओगे। अगर दुश्मन अपना मन होता नहीं यार तू यही पर ऊपटन की कर ऊपटन करेगा मन में खुद भी आराम से नहीं जिएगा दूसरों को भी जीने नहीं जिएगा सब स्वाहा करके खत्म कर देता है। ये संसार यह है तो हम लोग नंबर संख्या पर कहते हैं वो दर्जी चौपड़ का निचोड़ क्या है जिंदा मत कर जिंदा मत कर जिंदा करेगा तो पुण्य करेगा भी तो दिखाए में पुण्य देता है वो वास्तव में पुण्य नहीं है क्योंकि जिंदा है तेरे अंदर क्योंकि संसार है क्या यह है टिमटिमाते हुए तारे की तरह ओस बिंदु की तरह सपना की तरह पानी की बुलबुले की तरह बिजली की चमक की तरह इसीलिए संसार होते हुए भी नहीं है बिजली चमक जाता है एकदम रोशनी फिर खत्म अंधेरा पहले वाला बिजली नहीं है ना फिर चमक आता है तो दूसरा चमक है फिर अंधेरा दूसरा बिजली भी नहीं है ना सपना एक आता है चला जाता है सपना खत्म दूसरा सपना आता है ये तो दूसरा है तीसरा सपना आता है उसी तरह हमारा एक एक सेकंड का सपना है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहे नदियां बहता होता है हम लोग सोचते हैं वही नदी बह रहा है वो पहले पांच दिन पहले वाला जो नदी तो पुआरे से निकल चुका होता है लेकिन जंगी वाले सोचते हैं वही नदी बह रहा है। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं क्योंकि मैं जंगी का हूं ना जो भी हो अब स्पीड वाले होंगे तो सतलुज नदी देखो वो सतलुज नदी है पुराने समय से बह रही है वो तो बह रही है वो सबसे पहले बहा हुआ तो भाखड़ा डैम जा करके बिजली पैदा करके खेत में जा करके सूख करके कंपनित हो गया तो हमको लगता है कि वही पानी बह रहा है पानी वही कहा होता है वो तो चलते जा रहा है चलते जा रहा है इसी तरह हमारा जिंदगी भी चल रहा है लेकिन हम समझते एक बार वही है वहां पर रखे नहीं हो जाता समझ गया ना इस तरह से भगवान जी ने इस तरह से आज्ञा दे करके उद्देश्य देकर प्रवचन करते थे नितिन रज्जोरदान जो वहां जो रज्जोर जी ने प्रश्न किया था वो रज्जोर जी सखावीर रज्जोर जी गेलोंग देवादान जितने गेलोंग लोग बैठे थे वो गेलोंग संचित संपा पितात्मा जितना भी संचित संपा वहां नियम में संघ का यह प्रवचन सुना थे वे लोग खुद जिपो गेलोंग दान खुद जिपो मतलब गेलोंग गेलोंग फा गेलोंग मा और गेसुल फा गेसुल मा इत्यादि खुद जिपो बोलते हैं खुद जिपो मतलब गेलोंग गेसुल गेन्यन निन्ने बोलते चार होते हैं संघ का उसको उसके ग्रुप को खुद जिपो बोलते हैं खुद जिपो जितना भी भगवान बुद्ध के दवा अन्य लोग जो भी थे ना चार प्रकार के वो गेलोंग दान भिक्षु गेलोंग मादान भिक्षुनी यानी भिक्षुनी और गेन्यन दान उपासक गेन्यन मादान उपासिका स्लादान देवता नीदान मनुष्य लवाइंदान असुर दिसरत चेते मतलब गंधर्व के साथ सौनियुक्ता सौनियुक्ता होना है तो चलते हम संघ से छह सौ चौथे होते हैं वो सौनियुक्ता होते हैं शुभारा सक्षम वाले संघ से छह सौ चौथे भाग्यशाली है ना हिदायत वगैरह दिसरत चेते जितने ही रंगते होता है सबके मन में जो इतना आनंद आ गया होता है आनंद से भर गया होता है संघर्ष का दर्जी चुपा यहाँ समाप्त हो रहा है चुनने दीजिए सुन बोला नंबर तो दो होता है भगवान बुद्ध जी ने जो प्रवचन किया था ना उसके लिए भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका श्रामनेर श्रामनेरी देवता मनुष्य असुर और गंधर्व के साथ सभी लोगों ने भगवान की अभिनंदन किया अनुमोदन किया चुनने दीजिए सुन बोला नंबर तो दो थप्पा दर्जे थप्पा शरक जो भरव तो चिंपा पर जो जो बाज जो जो वाक्य पा चिंपा ये दो जोक सो बोलते हैं आर्या आर्या प्रज्ञा क्या बोलते हैं आर्या प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका नामा महायान सूत्र समाप्तम बोलते हैं यहाँ पर खत्म हो जाता है यहाँ के नीचे नाक है नाक का आर्थ मैं आपको नहीं बुझा बता सकता हूँ सिर्फ पढ़ूंगा ओम नमो भगवते प्रज्ञा पारमिता है ओम दत्तापिता इलिशि इलिशि मिलिशि मिलिशि बिग्नायन बिग्नायन नमः भगवते प्रत्यं करति इरिति इरिति मेरिति मेरिति शुरुति शुरुति उशिरु उशिरु भुयो भुये सोहा दुर्जे के भी निंगो के लेंचिक दे दे दुर्जे जो बच्ची बताऊं दम लगभग धन्य ब्रज जरूर ये जो नाक से ना आप लोग दुर्जे चुपा जो जो पढ़ने वाले हैं इस नाक को पढ़ने से शुद्ध मन से पवित्र मन से बिना चिंता के मन से पढ़ने से जो है ये एक नाक को बहुत शुद्ध भाव से पवित्र भाव से धक्का से जहां जिंदा का नमो निशाना बिल्कुल स्वच्छ पानी की तरह मन बना के इस नाक को एक बार भी पढ़ोगे तो 90 करोड़ बार दर्जे चुप्पा पढ़ने के समान हो जाएगा होते हैं दर्जे चुप्पा ठीक तो नंबर का नंबर जो वो उन हेतु में हेतु प्रभाव है हेतु पेशम तथा बतो हयावत पेशम चिर निरोधा एवं वदि महाशर्मा नाय सुहा।
chunam tamche jile dejo dejen shibye su jile dogba gayin gejong chendo dege su karma rabrin marme tang juma zeba chupur milam lopan tinda duje chunam de tarpa yawo chenje mage kunda garza जड़ जो है साबुन जो है आप लोग हैं, इसलिए अभी तक नहीं तो मैं खत्म कर लिया होता आप लोग ने। मैं बता रहा था कि संघर्ष का जो जितना भी संघर्ष है ना, ज्ञान की दृष्टि से एक है, दो नहीं है, ज्ञान एक ही है, एक ही ज्ञान है, छुपी दोनों छलुक नहीं आया, असलियत में छलुक छुलुक कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान ही होता है। दूसरे शब्दों में आप लोग को समझा है ना, बुद्ध को ज्ञान से देखा जा सकता है, शरीर से भी देखा जा सकता है, ज्ञान की दृष्टि से एक है। लेकिन संघर्ष ने जो है, जो भी संघर्ष हुए हैं उन्होंने पहले मलम लगाया होता है कि किस तरह से मैंने डोवा सिंजन थमचे को फैन तपचे करना है, कैसे कल्याण करना है, ऐसा मलम लगाया होता है। मलम के अनुसार फिर अलग अलग रूप लेके आते हैं, अलग अलग रूप लेके आकर के लोक कल्याण के लिए उद्देश्य एक होता है, सिर्फ लोक कल्याण के लिए, लोक का कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। भारतीय संघर्ष का कुछ लेना देना नहीं है। अगर संघर्ष में आसक्ति होता तो संघर्ष बन करके खुद मुक्त हो जाता है। उसमें से आप संघर्ष होता मिट के बारे में बताए, संघर्ष होता मिट एक तरफ से कहेगा तो कई करोड़ों वर्षों पहले जो है संघर्ष होता मिट आए, एक दृष्टि से ऐसा है। दूसरे दृष्टि से संघ होता मृत का वास हर एक संघ के अंदर भी होता है, संघ कुथुआ के अंदर भी उनके ज्ञान में संघ होता मृत का वास होता है, सभी संघर्ष का वास होता है, एक संघर्ष के अंदर सभी संघर्ष का वास होता है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से संघर्ष एक है, क्या बात समझे ईश्वर हम कुछ। लेकिन दो तुलसी करने के लिए कोई लाल रंग लिए शरीर में, कोई सफेद रंग लिए, कोई हरा रंग लिए, जैसा होता मृत का क्या कहते हैं खदक जो है मरपो है ना, मरपो का मतलब यह है कि उनके अंदर इतना जिलप है कि जितना भी दोबारा है उनका जिलप खत्म होने वाला ही नहीं है, क्योंकि लोक कल्याण की भावना से भरा हुआ है, इसलिए उनका उनका लाल जो रंग है होपा में। मैंने बताया था ना पहले, समझे होपा में जी से ही थप्पा चेरे सिंह जी आए थे, उनके जिलप से, थप्पा चेरे सिंह जी के जिलप से कौन आए थे, गुरुमुखी जी आए थे, नहीं बताया गुरुमुखी आए थे ना, उनका हक जो है, परमा का हक जो है, निंजे का हक जो है, हजर जो है, जिनब जो है, जिनब जो हट हजर, प्रकाश जो है, रश्मि जो है, किरण जो है, इतना ज्यादा है कि उसका कोई सीमा है ही नहीं है। संजय होगा जी का जिनब है तो सब संघर्ष में है ना, फिर एक एक संजय अलग रूप में आते हैं तो उनका अलग होता है। संजय होगा मत का जिनब का कोई सीमा नहीं है, उसको अमिता बोलते हैं, अमिता मित मतलब सीमित, अमित मतलब सीमा है ही नहीं, ऐसा जिनब है। तत्व मेहता बोलते हैं, अमिताभ में से क्या बोलते हैं, तत्व मेहता क्या है, जिसका सीमा ही नहीं, ऐसा क्या है संजय होगा के मृत के अंदर जिलप है। जिलप क्या है, द्वार है, तो सब समझे, सबको कल्याण करने के लिए, सबको भलाई करने के लिए ऐसा जिलप है, इसका उनका रंग भी लाल है, समझ गया ना। उसी जिलप से पप्पा चेहरे जी निकले हैं,
और पप्पा चरण सिंह से जिला से कौन निकले हैं? गुरु मुझे जी निकले। इसीलिए तो बर्चल अंसल में छोटू नंगवा था कौन है समझे भोपाल में, छोटू से देखा जाए तो समझे नंगवा था भोपाल में, लंगू थुंचे चंपो उसी होगा मत का जिला में लंगू के रूप में आता है, थुंचे चंपो पप्पा चरण सिंह फिर उसी पप्पा चरण सिंह दो थुंचे चंपो उसी के हद के रूप में टुकू बनवा चुने छुकू लुंगो टुकू छुकू के रूप में समझे होगा में वहां से जिला आता तो पप्पा चरण सिंह आ जाते हैं, पप्पा चरण सिंह से जिला आते तो गुरु मुझे आ जाते हैं। तो इतना जिला है कि उस जिला को हम लोग ना भी नहीं सकते हैं, इसी ना भी क्या है हत और हजर है जिला का, इसीलिए अमित है अमित अमितेवा है अमितेवा अमित का मतलब क्या है उनके अंदर इतना जिला है इतना दया के सागर है करुणा के सागर है, उनकी करुणा का कोई सीमा है ही नहीं है, पूरा संजस का जिला होता है के अंदर अमित है, इसलिए अमितेवा ही मतलब जिसके अंदर जिन्नत का कोई सीमा ही नहीं है वो अमितेवा जी है, देवा का मतलब संगेश को बोलते हैं देवता को बोलते हैं, हाँ संजय होगा में तो देवता नहीं है इसलिए अमितेवा रोके उनको इसीलिए कहते हैं जिन्नत से भरपूर संगेश अमितेवा। फिर क्या है हर एक संग दर्शित होगा में जाएंगे तो हर एक संगेश का अपना अपना साबुन है, अब अक्षर के अंदर लाएंगे तो संजय होता मेत का जिन्नत जो श्री के अंदर आ जाता है श्री ऐसा जानते हैं ना पढ़ने वाला श्री फिर, लेकिन अमित संजय होगा में तो जो श्री जो है वो लाल रंग का होगा, पप्पा चरण सिंह जी का जो श्री जो है श्री बोलते हैं आप लोग श्री भी बोल सकते हैं उमामी देवा श्री उमामी देवा श्री, तो श्री जो है हवा में वाला लाल रंग का है क्योंकि वो जड़ है इंजे का जड़ है सब उसमें अमित है ना वो है, और चरण सिंह वाला कर्फ्यू होगा क्योंकि चरण सिंह क्यों की मगे कुंदर कर है ना उनमें कोई दोष नहीं इसलिए सफेद है, तो इसलिए अमी देवा जी के बारे में जब जब करते तो क्या होना चाहिए फिर वही बात आएगा यमनम का बात होना चाहिए, अमी देवा जी संजय हवा में तो जब कर रहे हो अमी देवा रे अमी देवा रे यहाँ संजय हवा में जी बहुत बैठे हैं लाल रंग में ऐसा देखिए गुरुजी चिंटू मुंजे के साथ आपने देखा होगा, तो उस समय उनके लाल रंग का मतलब है पूरा करुणा के सागर करुणा का किरण, वो किरण सब आपके ऊपर आ रहा है और आपका दिल भी मन भी पूरा शुद्ध होकर के संजय हवा में की जो दया की भावना और यहाँ आकर के अमी देवा रे बने से संसार में जितने भी प्राणी है दुखित है सब है सब पर प्रयाण हो कोई दुखी ना हो, तो इस तरह की भावना से अमी देवारी का जप करना चाहिए, अमी देवारी का जप जीते जी भी कर सकते हो गुजरे हुए व्यक्ति के लिए अमी देवारी का जप करेगा तो देवाचिन जिंगम में पहुंचने का टेंडर हो जाता है, फिर वही बात वो लड़ाई झगड़ा हाहा हूहू ही नहीं करके मन को शुद्ध और साफ करके अमी देवा मतलब संदेश के प्रति धप्पा धमसी करके चित्त को मधुर और सरल करके फिर अमी देवा रे तब जाके वो काम कर जाता है होगा में के सिंघम देवाचरण में जाने के लिए वो हृदय का रास्ता हो जाता है, फिर वही मन निर्मल होना चाहिए मन शुद्ध होना चाहिए, मन निर्मल नहीं हो मन शुद्ध नहीं हो तो फिर क्या कुछ भी नहीं ना, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ संदेश कह रहे हैं आज तक सुना नहीं होगा तो सुनाना मेरी बात है, तो सबसे पवित्र मन को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करोगे तो फिर संजय होता में संजय होता में का मतलब हो तब तो मेपा इतना हक है इतना हजर है तब तो मेपा उसको ना भी नहीं सकते तोड़ भी नहीं सकते, किसका हक है दया का हक प्रेम का हक इंसानियत का हक ज्ञान का हक मतलब किरण रश्मि, तो इसलिए अमी देवा रे होते समय मन में करुणा का भाव और संजय होता में जी का आलंबन करके अमी देवा रे का जप करना चाहिए, समझ गया ना देवाचन देवाचन में सिंगम देवाचन को सिंगम सिंगम को कोई बार होता नहीं है जब अपना मन शुद्ध हो जाता है संजय हवा में तो यहाँ आप ध्यान कर रहे हो तो देवाचन का सिंगम यही हो जाता है कहीं दूर जानी वो सिंगम ऐसा मोटा पत्थर वाला बिल्डिंग वाला ऐसा नहीं है, वो हत और हजर का सिंगम है जहाँ भोजन खाने की आवश्यकता नहीं है टेंशन लाने की आवश्यकता नहीं है सब कुछ सूक्ष्म दृष्टि से होता है, इसलिए अमी देवा रे का मतलब यह है अमी देवा रे जिनक जी जिनक का जो चला जो है संजय होगा मत के अंदर है वैसे भी संजय सब में ऐसा है, इसीलिए क्या कहते हैं ठिल्ले का चला जो है जैसन धर्मा जी है, अब जैसन धर्मा जी के लिए भी मैंने पहले बताया था जैसन धर्मा जी क्या हो गया पप्पा चरण से वंशु जी जो है लोक कल्याण के लिए संजय होगा में जी से आए और पप्पा चरण से वंशु जी वंशु जो भगवान है वो जो है दुनिया के दुखी को देख करके उनके आंखों से आंसू टपक गया बोलते हैं उनके आंखों से आंसू टपक गया बोल रहे हैं आंसू टपकते समय उस आंसू से एक फूल निकल गया उस फूल से जैसे धर्मा का जन्म हुआ बोलते हैं, अब धर्मा के हमने धर्मा के अंदर जब आप पाठ करते हो तो उसमें आपको पता लगेगा ना जितन सुनो छुपी शैल जी जैसा जीवा लानी जुम मां, अब आप धर्मा पढ़ते हैं फिर अर्थ नहीं आता है, मेरे को लगता है कि भविष्य में कहीं समय मिले तो धर्मा का भी पूरा अर्थ बता दू,
लेकिन सिर्फ समय होना चाहिए मेरे को, ब्रह्मा जी क्या है उसके अंदर, क्या कर रहे हैं, क्या गा रहे हो, उसको भी पता लगे तो मैं उसको भी मैं बताना चाहता हूँ। जितन सुंगन छुटी जाएंगे, जितन सुंगन फसा चाहे सीखो। बोलो भैया अभी बात मत करो, मैं थोड़ा अभी बात मत करो। जितन सुंगन छुटी, जितन सुंगन क्या होता है, जितन सुंगन मतलब चेहरे से मंजू जी को बोलते हैं। जितन सुंगन कौन है, चेहरे से। जितन सुंगन छुटी जल से, जितन सुंगन का जो सूरज की तरह चमकते हुए, चांद की तरह चमकते हुए चेहरा है, वहां से आंसू, एक आंख से आंसू टपक गया होता है, टपक गया, टपकने के बाद एक फूल उत्पन्न हो गया होता है, उसी फूल के ऊपर जैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ होता है। चिकन सुमन छिच जय जी जैसे जीवा हमारे जुम्मा चेतन जी जैसे ब्रह्मा जी वजी मंगे हो रहे हम जगत के मंगे जगत धर्म जी भगवत जो ब्रह्मानंद होंगे, मतलब इस तरह का है। तो आमी देवारी का अर्थ ऐसा है, पता लग गया ना। चलो आमी देवारी का जप करते हैं कि जिंगत सब आ जाए, सब करुणा और दया की भावना करके लोगों का कल्याण हो, समझ गया ना। भावना से चाहे वो लड़ाई झगड़े करे कोई लेना देना नहीं है, तो मोवा जैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ मोवा जो है, जो पुण्य हम लोग ने अर्जित किया होता है, चाहे छठ छुने मरमे कोरा दान दक्षिणा जो देकर भी जो हम लोग ने पुण्य कमाया होता है, उस पुण्य का जो फल होता है, सिर्फ अपने को मिले समझ करके ऐसा करे तो वो नंबा संजय पर नहीं होता है। नंबा संजय पर कब होता है, नंबा संजय मतलब संजय चंदन देकर जैन शिष्य कब होता है, जब उस तरह के पुण्य आप लोग जब कमा लोगे, उस पुण्य का फल दुआ रिद्धि सब संजय सबको मिले। मैंने जो पुण्य कमाया है उस पुण्य का फल सभी प्राणियों को मिले, क्योंकि इस संसार में सब प्राणी दुखी है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो हमारे माता ने हुआ हो। हम जब शाम थे तो हमारे माता शाम थी, जब हम लोग घोड़े थे तो हमारे माता घोड़े थे, जो भी हो शेर थे तो शेर नहीं थी। जब जब हम लोग ने 84 लाख योनि में जन्म लिया, उस समय उस योनि से संबंधित हमारे माताएं थी। इसलिए ठिपक छिंबो मायाना के चश्मे जो मधुर नमखा तंगे संजय थमझे बोलते हैं, इसलिए ही माँ नमखा तंगे संजय थमझे बोलते हैं। माँ नमखा जितना आकाश है उसके नीचे प्राणी है, जितना प्राणी है वो सब हमारे माताएं हैं। उन माताओं के कल्याण के लिए, भलाई के लिए जो है प्रार्थना करना और पूजा करना, छस्मंदन करना, और जो मैंने पुण्य कमाया है सब उन सभी माताओं को फायदा हो। माता का याद आएगा तो सभी प्राणियों को हो जाता है, इतना इतना शक्ति है माता के अंदर, समझ गया ना। तो सभी प्राणियों को अपने किया हुआ पुण्य के फल को बांटना ही हुआ है, पता लगा। माँ का मतलब है जम्बो बावो जिब्रो जम्बो बा कुंडो जम्बो ए आंधे जेंदे
जैसे पहले जंबयम जी ने मुआ लगाया था, जैसे पहले कुंतु संगो जी ने मलम लगाया था, मुआ लगाया था जंबय पाव जितना चिंबा था कुंतु संगो देवम देशिन थे, जिस तरह से जमचुक संबा जंबयम जी ने मुआ मलम लगाया था, जिस तरह जमचुक संबा या संगे कुंतु संगो जी ने मुआ मलम लगाया था कुंतु संगो देवम देवा कुंजी जैसो तालक जी, उस तरह से कितना जमचुक संबा संक्षिप्त संभाव में मलम लगाया हुआ, मुआ लगाया हुआ, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, सही में जो मुआ लगाया हुआ चंदे जी ने कुंतु संभव जी ने उसके सत्संग संक्षिप्त संभव जी ने उस उनके अनुसार उन्होंने जैसा मुआ मलम लगाया उस तरह का मुआ मलम लगाने का नसम मुझ में आए, विचार मुझ में आए, तो मैंने जो पुण्य करके फल कमाया है वो सब समझे समझे के लिए परिणाम ना हो जाए, मुआ हो जाए चंदो पर जितना चंदा होता है कुंतु संभव देवा कुंज जैसो बालक जी उन सभी के अनुसार मैं भी शिक्षित होकर के देवा देवा मुझे रक्त जो पुण्य मैंने कमाया है वो सभी के लिए कल्याणकारी हो, पता लगा। उसके बाद दुसुमशित में जब आत्म जी जी मुला घना शुद्ध नंबा पे होता है तीनों कालों में जितना संघे आए थे संघे मरगज जी दीपंकर बुद्ध जी वर्तमान से संघे संघे शिखर थुआ जी भविष्य में जगा जम्बा पंडो बुद्ध मैत्री नाथ जी जिन लोगों ने जिस तरह के मुआ का प्रशंसा किया, किस तरह के मुआ का प्रशंसा किया, किस तरह के बांटना परिणाम में प्रशंसा किया, जो शुद्ध मन से और पवित्र मन से और जंक्षुप्त सन के साथ जंक्षुप्त सन बोधिचित के साथ जो मुआ किया उसको उन्होंने प्रशंसा किया, किसने संघस ने देते संघ बतावे संघ नाम के मुआ कंठ ताक्षिण जबी सवा द्विगुण चंद इसी उसी से मैंने शिक्षा लेकर के मेरे द्वारा और दूसरों के द्वारा जो भी मुआ मलम किया है कार्य नहीं करके पुण्य का कार्य करके शुद्ध चरित्र जिस चरित्र में कोई खोट ना हो उस तरह का पवित्र चरित्र के साथ संकोच रक्त मुव्रज उसको आचरण करने के लिए सब प्राणी के प्रति मैं मुआ करता हूँ मुआ यह होता है मुआ का पता लगा ना तो जो भी पुण्य किया हो उसको बांटना चाहिए जो भी पूजा करो जो भी छठ छठ मर्म करो जब अंतिम क्षण आ जाता है उस समय बांटना चाहिए मुआ करना चाहिए एक भी छठ किया हो तो उसको मुआ कर देना चाहिए जब तक मुआ नहीं होता है तब तक जीवन नहीं होता है समझ गया ना जैसा हम लोग आदमी लोग कोई गुजर जाते हैं हम लोग सुर लगाते हैं कोई गरम गरम चाय लगाते हैं वहां भी जब तक आप मुआ नहीं करेगा तो गुजरे हुए व्यक्ति को मिलता ही नहीं है वो जब कोई आदमी गुजरा होता है घर में वो सात आठ दिन बारह तेरह दिन तक चाय रखना पड़ता है खाना रखना पड़ता है सब उस समय भी अगर पढ़ना भी नहीं है तो मन में कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि मेरा कोई पिताजी गुजर गए थे दादाजी गुजर गए थे बेटा गुजर गया यह है मैं जो भोजन दे रहा हूँ संघर्ष और छुप और जन्म के जिंदक से है इस गुजरे व्यक्ति को प्राप्त हो तब मिलता है नहीं तो ऐसे रख देने से मिलता ही नहीं है मुआ में इतना करना समझ गया ना। अब मलम क्या चीज हुआ मलम होता है इच्छा रखना है इच्छा ये हो जाए वो हो जाए हम लोग मलम करते हैं ना कहीं छोटे के पास मैं मरने के बाद मुझे देवाचिन के जिंगन में पहुंचना है आप देवाचिन में जिंगन में पहुंचो गुरु मच्छे मेरे को क्या करो मलम में संघर्ष को गठन प्राप्त होने के लिए भी मलम हो सकता है आपके जीवन में वर्षित आने के लिए भी मलम हो सकता है मेरे घर परिवार में सुख शांति नहीं है मेरे पोते हमेशा बीमार रहते हैं यह है वह है होता है ना घर में अनाप शनाप चीजें उसको समझ करके मलम भी डाल सकते हो लेकिन वो मलम जिम्बा वाला मलम हो जाता है आपके घर में कल्याण जरूर होगा लेकिन वो टेम्परेरी वाला वो टेम्परेरी कल्याण के साथ मेरे परिवार में भी सुख शांति हो सबके परिवार में भी सुख शांति हो सबके घर में ज्ञान का दीप जले कोई की घर कोई भी घर उसमें अशांति ना हो सब जगह शांति शांति हो बुद्ध की झिलक से मुझ में ज्ञान की भावना आए सभी लोगों का कल्याण हो कोई भी दुखी ना हो सब सुखी हो सबका कल्याण हो ऐसा इच्छा जाहिर करके अगर प्रार्थना करते है ना मलम हो जाता है समझ गया ना मलम इसको बोलते हैं जैसा हम लोग देवाचिन जी का मलम देवाचिन का मलम भरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं मतलब कोई आदमी गुजरा हो गुजरने वाला जो भी हो हम लोग नहीं भी मरा हो तो मलम लगाते हैं
कि नवाखाई की जगह ऐसा है, वहां पर बीच में संगे सोपा में जी बैठे हुए हैं, दाएं तरफ फप्पा चलेजी जी बैठे हुए हैं, बाएं तरफ छन्ना दर्जे थुछन थप बोलते थुछन थनम छन्ना दर्जे जी बैठे हैं। ऐसा सिंघम जहां पर पूरा चारों ओर जमचुक संभा बैठे हुए हैं, पूरा सुखी सुखे कोई दुख नाम की सुख के नाम के मात्र भी कोई दुख नहीं है। वहां का प्राणी हो, वहां का झील हो, वहां का जंगल हो, जो भी हो, सब पूरा जमचुक संभा का टूबा जैसा, ऐसा सुख कहीं भी ना हो, सुख ही सुख है। वो इस दुनिया से परे है क्योंकि संघर्ष का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में मैं और कोई भी मरे, दक्षिण दिल्ली से जन्मा था, मैं और कोई भी मरे केवल शनि भरना छुपा रू। दूसरा गलत रास्ते में नरक वाला रास्ता, प्रेत वाला रास्ता, कोई संसार के रास्ते में ना जाए, क्योंकि हित में कोई रुकावट व्यवधान नहीं हो करके सीधा दवाचन के सिंघम पर पहुंच करके सुखावती क्षेत्र में वहां पर अमिताभ बुद्धा संजय होगा में जो बताया कि उनका दर्शन हो करके लोक कल्याण की भावना वाला चंचु से बन करके वहां से ट्यूबा लेकर के संबलिंग में जाकर के संसार का कल्याण करे होते, इस तरह से मोलन करते है ना, वो दवाचन का मोलन होता है। समझ गया द्वारा जो प्रार्थना दिखाया गया है, हम लोग नंबा है ना, अच्छी बात तो है नहीं है, नंबा है, विचार होना चाहिए, सबसे बड़ा विचार है, इसको भूलना मत। आप लोग कृपा करके विचार शुद्ध होगा तो गेवा गेवा हो जाता है, विचार अशुद्ध होगा तो गेवा गेवा नहीं होता है। बाहर से गेवा कर रहा दिखाई देगा, बाहर से दीप जला रहा हुआ दिखाई देगा, बाहर से कोरा कर रहा हुआ दिखाई देगा, बाहर से कुछ पूजा कर रहा हुआ, कुछ मनी पढ़ रहा जैसा दिखाई देगा। अगर उसके मन में खोट है तो दिखाई दे रहा है जरूर, कुछ अंश तक फायदा हो सकता है, वही एक बूंद अमृत का तो 100 बूंद जहर है तो फायदा नहीं ना, तो वहां ज्यादा फायदा वाला बात नहीं होता है। जब मन शुद्ध हो, पवित्र हो, फिर दीप जलाए, कोरा करे, ढोलमा लगाए, मने पड़े, तो फिर नंबा संगे स्वा होता है। रंगे सुन्ने यंसो दो देने संजे तंपाय दिबाजे आमे जाजे देवा तुम जन तो बराजे रंगे सुन्ने यंसो दो देने संजे तंपाय रंगे सुन्ने यंसो दो देने संजे तंपाय। सही बात समझा, आप लोग को समझते नहीं हो, किसी ने कहा ना समझदारों को इशारा काफी होता है, तो इशारा नहीं बहुत बहुत व्यक्त होते हैं, फिर भी समझ गए। रंगी सन्नी यंसु दो, रंगी सन्नी यंसु दो, सन कौन तुलसी करेगा, संगे तुलसी करेगा कि खुद को तुलसी करना पड़ता है, किसको, खुद को ना, तो खुद को सुधरना है, खुद सुधरे तो सब सुधरे, खुद ना सुधरे तो कुछ भी ना सुधरे। संभा सन्ना सब लमन सन, संभा नन्ना सब लमन नन से, संभा सब होगा ना, दूसरा दुष्ट होगा वो भी अच्छा आदमी दिखाई देता है, संभव खराब होगा ना दूसरा अच्छा होगा वो खराब दिखाई देता है, तो हमारा मन करता है, समझ गया ना। Yeah.
Maho chijeli laje belo ma kumjo zonje jaja banam laje mane jaja mane lagraje mane lagraje mane lagraje mane urje rimbo chela sawande urte jaja chela sawande ganjade de sabato dosha kaja kurbe ne sabato dosha Allah.
जमाइंदा ब्रह्मा को खोला जंजा जंबा खोलोशा उन्हें बिलो चला सोवादे गुरु वालों के चला सोवादे लेना दिले सबा खोलोशा पता करने लेना सबा खोलोशा अमाहु अंग्रेज गुरु प्रमा से दे Chimbe korwa yimba mwa she Kwe tuye yimba brahma to Mungo jete kumwa kolo sha Urye bimbo chela sawane Kuro tuje chela sawane Kena nige sawa kolo sha Aja korwe nene sawa kolo sha Oma ho Namaste. Shabbat
Kembe zimba nata njurwa Kemba yare nebe Tazi ju Nindra nima dele Tsendele Nintzanta dode सुखी हो कोई दुखी ना हो सबका मन शुद्ध हो पवित्र हो बुद्ध वाणी को सुने बुद्ध अमृत का पान करे और लोग का कल्याण करे। ये हमारे मामा जी है ना खतरा, इन्होंने मुझे दर्जी चोपा सिखाना बोलते, इनके बदौलत सबको मिल गया ना, जो सुमन कमाया हो सबको कल्याण हो भलाई हो। Mani Pende Hum, 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 Mani Pende H